हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, अगर आपने भी आरआरबी ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया हो तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ज्वाइनिंग अब कब होगी और किस तरीके से होगी, कितना टाइम लगेगा। और जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनके मन में भी इस बात की खुशी होगी कि अब लगभग लगभग हमको नौकरी मिल गई है, तो ज्वाइनिंग के बारे में जानने की दिलचस्पी उनकी भी होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोसेस है जो आपको ज्वाइनिंग से पहले करनी होगी, और उसी में एक प्रोसेस है अटेस्टेशन फॉर्म का, जिसमें आपको सर्विस बॉन्ड भरना होगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सर्विस बॉन्ड होता क्या है, इसको क्यों भरवाया जाता है और इसका फ़ायदा वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को किस तरीके से मिलने वाला है, किन किन वैकेंसीज में इसका प्रभाव पड़ेगा या क्या किन किन वैकेंसीज में ये फॉर्म भरवाया जाएगा, जैसे आरआरबी जेई है, एनटीपीसी है, एलपीएन टेक्नीशियन वाली परीक्षा है, आरपीएफ है, इन सभी लोगों को अब ये बॉन्ड भरना जरूरी हो गया है। तो इसी के बारे में, सर्विस बॉन्ड के बारे में मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि इसकी नियम और इसके शर्तें आप सही से समझ पाएँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं, उनसे आप वंचित ना रह जाएं। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और बने रहिए हमारे साथ गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा पे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि क्या है सर्विस बॉन्ड और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, किन लोगों को भरना होता है और पूरा प्रोसेस क्या है। दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, ये मिलेगा कहाँ से, कैसे आप देख सकते हो, इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है रेलवे अटेस्टेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको टाइप करना है रेलवे अटेस्टेशन फॉर्म। देखिए, हमने यहाँ पे पहले सर्च किया हुआ है तो रिजल्ट आ गया, और सबसे पहले ऊपर की तरफ ही रिजल्ट आएगा, खुलेगा, जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में दिया हुआ है। एक पीडीएफ फाइल दी हुई है जिसको आप डाउनलोड करेंगे और इसी में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड। अब ये क्या है, कैसे है, इसको तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड हमने एक और पुराना वीडियो बनाया था जो कि गूगल पे इस टाइम पे ट्रेंड कर रहा है, और आप जा करके उसको देख लेंगे। बहुत डिटेल में हमने अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताया हुआ है, करेक्टर सर्टिफिकेट, सर्विस बॉन्ड, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और अटेस्टेशन फॉर्म, ये सारी डिटेल्स हमने दी है। बस उसमें हमने सर्विस बॉन्ड के बारे में नहीं बताया था जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप यहां पे क्लिक करके वो पुराना वाला वीडियो देख सकते हो। तो आइए हम अटेस्टेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उसमें सर्विस बॉन्ड की क्या क्या नियम और शर्तें दी हुई हैं। तो अभी ये डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली। तो देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड हो गया है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है। तो इसके आप एक पेज पे जाएंगे जहाँ पे सर्विस बॉन्ड दिया हुआ है, और एक्चुअली ये सभी लोगों को भरना है जिन लोगों को भी अब रेलवे में नौकरी मिलने वाली है, नई ज्वाइनिंग होनी है। तो थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों और भरवाया क्यों जा रहा है। तो पहले ये नियम था दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद में और ट्रेनिंग से पहले, जब आप ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के बाद और ट्रेनिंग से पहले नियम था कि आपको ये सर्विस बॉन्ड भरना होता था, लेकिन बीच में ये नियम रेलवे ने ख़त्म कर दिया था सर्विस बॉन्ड का। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, जो कि नॉर्मली एसएससी की परीक्षा करवाता है, इसको एसएससी ने शिकायत करी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हम जल्दी जल्दी वैकेंसीज करवा रहे हैं, तो एक में सिलेक्शन हुआ, दूसरे में अच्छा पोस्ट पा गए या अपने घर के पास में जगह पा गए, तो वो उस पोस्ट को छोड़ दे रहे हैं। तो उसने क्या किया, लागू कर दिया सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्ती आएगी अब आने वाले समय में, सब में सर्विस बॉन्ड लागू कर दिया, और उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसको एसएससी और केवीएस एनवीएस, मतलब जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती हैं, वो सारे लोग अब सर्विस बॉन्ड को भरवाएंगे नियमित रूप से। और इसकी शुरुआत हुई नोटिफिकेशन के माध्यम से, केवीएस ने जारी किया सबसे पहला नोटिफिकेशन, और बाद में रेलवे ने जारी कर दिया कि अब हम भी सर्विस बॉन्ड भरवाएंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसकी शर्तें, इसी के पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है, और आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो लिखा हुआ है कि ये एक तरीके का एग्रीमेंट है जिसमें आपको अपना नेम भरना है, माता पिता का नाम भरना है, और ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी। यहाँ पे लिखा है कि जो कैंडिडेट्स इसमें जा रहे हैं,
एसईसी रेलवे, देखिए इस रेलवे के अंतर्गत जो भी लोग जा रहे हैं अप्रेंटिसशिप के लिए या ट्रेनिंग के लिए ट्रेनी के रूप में, उनको ये फॉर्म भरना है, उनको ये डिटेल यहाँ पे देनी है दोस्तों। उसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से आप ये बॉन्ड भरेंगे, जो भी बॉन्ड भरा जाता है, एक्चुअली जान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर भरा जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संबोधित करके भरा जाता है, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि मैं एज ए ट्रेनी जा रहा हूँ जॉब करने और उसके बाद में मैं आऊँगा तो कम से कम इतने दिन तक मैं रेलवे में सर्व करूँगा। अब ये रेलवे में सर्व करने की डेट कितनी है, तो शुरुआत में दोस्तों ये 5 ईयर्स की थी और अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, 2 ईयर कर दिया गया है, तो मैं उसको आपको बताऊँगा अभी। देखिए तो ये यहाँ पे लिखा है आपको टाइम डालना होगा, अब ये एलपी और सबके लिए अलग अलग होगा, तो यहाँ पे ये कॉलम खाली छोड़ दिया इसने कि जेई के लिए अलग, आरपीएफ के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग है ड्यूटी। तो अभी इसको मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमाइसेस वी सेट द ट्रेनी अप्रेंटिस, जो भी है ट्रेनी हो नाम हो अप्रेंटिस हो जो कुछ भी हो, उनको कहा जाता है कि वो इस उसको भरेंगे और इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे। कैसे, द ट्रेनी अप्रेंटिस इज सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट ए वर्किंग पोस्ट, अगर आपका सिलेक्शन होता है रेलवे में तो आप इसको छोड़ने के लिए, मतलब किसी भी कंडीशन में, देखिए यहाँ पे लिखा है कंपटीशन ऑफ हिज हर ट्रेनिंग विल हैव टू सेव द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ट्रेनी विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सेप्ट फ्रॉम एनी रीजन, अगर आप किसी भी तरीके से ट्रेनिंग पीरियड में है तो आपको किसी भी तरीके से अलाउ नहीं किया जाएगा उसको छोड़ने के लिए। इन केस द ट्रेनी अप्रेंटिस फेल्स टू सर्व द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, देखिए कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है रेलवे का, अगर आप उसको 5 साल से कम की सेवा दे रहे हैं एज स्टेटेड अबव और विशेष टू विदड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग, या उसके अलावा आप ट्रेनिंग से अपने आप को दूर कर ले रहे हैं, जो भी रीजन आप उसके लिए लगाएं, उस केस में आपको पेनल्टी देनी होगी। अडॉप्टिंग ये लिखा हुआ विल हैव टू बी लाइबल बॉथ फॉर ज्वाइंटली एंड सर्वली टू रिफंड द होल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, आपको जितना भी पैसा ट्रेनिंग में उसने आपके ऊपर खर्च किया है वो आपको वापस करना होगा एज ए ट्रेनी या अप्रेंटिस, जितना भी टाइम लगा, किसी में 6 महीने का होगा, किसी में 1 साल का, कुछ पोस्ट के लिए 2 साल की ट्रेनिंग होती है, आपको इस बारे में पता ही होगा। तो अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो पूरा पैसा उसका देना होगा, उसके साथ में 12.5% का आपको उस पर ब्याज भी देना होगा उनको वापस करते टाइम पे, जितना टाइम आपने लिया है, और जो कुछ भी स्टिपेंड पे या जो भी निर्धारित वेतन आपको मिला है उस वेतन को आपको उस टाइम में वापस करना होगा। यहाँ पे 2 विटनेस के सिग्नेचर होंगे, मतलब 2 गवाह आपको लगाने होंगे कि इनके सामने मैंने ये बॉन्ड भरा है, आपको अपना नाम लिखना होगा ट्रेनी से पहले, मतलब ट्रेनी अप्रेंटिस जो भी आप हैं ज्वाइनिंग के बाद में और ट्रेनिंग के पहले आपको ये बॉन्ड भरवाया जाएगा, उसके बाद में सिग्नेचर करवाया जाएगा आपके पिता का और उसके, ये देखिए ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कोई यहाँ पे साइन करेगा और वो मोहर लगाएगा, और इसके बाद में आपको ये बॉन्ड 20 रुपये के जुडिशियल पेपर पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, देखिए लिखा हुआ है स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प ऑफ व्हाट 20 रुपीज, 20 रुपये का स्टाम्प आपको खरीदना होगा, और वो स्टाम्प मिलेगा कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस में, वो एडहेसिव मतलब एक ऐसा स्टाम्प होता है जिसको चिपका दिया जाता है, चिपकने वाला होता है, और वो स्टाम्प मिलेगा आपको डीएम ऑफिस में, वहीं से आपको मिलेगा और उसको यहाँ पे आपको चिपकाना होगा ताकि इस ये लीगल हो जाए, लीगली आप इसमें इनकी शर्तों को मंजूर कर रहे होंगे। तो ये था सर्विस बॉन्ड, 5 साल से कम की सर्विस थी, अभी बीच में ही एक अमेंडमेंट आ गया है, 6 महीने पहले ये रूल आया था, 6 महीने के बाद में फिर से एक अमेंडमेंट आ गया है जिसमें रेलवे में 2 ईयर की सर्विस कंपलसरी कर दी गई है, उसके बाद में अगर कोई रीजनेबल है, कोई वैलिड रीजन है तो आप ये नौकरी छोड़ सकते हो। तो दोस्तों ये था सर्विस बॉन्ड के बारे में। एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देना और ज़रूरी है कि ये सर्विस बॉन्ड एक्चुअली आपसे अटेस्टेशन फॉर्म के टाइम पे भराया जाएगा, जैसे ही आप ज्वाइनिंग करने वाले होंगे फाइनल रिजल्ट आने के बाद, ज्वाइनिंग के पहले वो जब आपका ई डोजियर भेजेगा, ई डोजियर मतलब जो आपने फॉर्म्स भरे हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा जाएगा या आपके पर्टिकुलर आरआरबी को भेजा जाएगा, आपके डिवीजन को भेजा जाएगा, तो इन जगहों पे जब भेजा जाएगा उसके पहले आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म वो खुद आरआरबी मुहैया करवाएगी, आपको अभी से डाउनलोड करके
भर के रखने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे आरआरबी आपको अटेस्टेशन फॉर्म देगी और उसमें 8 पेजेस का अटेस्टेशन फॉर्म है, जिसमें सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म है, उसके बाद में मैं बता देता हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि कौन बनाएगा इसको, कैसे बनवाएंगे आप। उसके बाद में सर्विस बॉन्ड आपको भर के देना होगा 20 रुपये का स्टाम्प लगा करके, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके बनेंगे 2 अलग अलग 2 लोगों के द्वारा, और देखिए उसके बाद में फिर से जात प्रमाण पत्र आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अनुसूचित जात जनजात के लिए अलग लगेगा और ओबीसी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के लिए अलग से लगेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के बाद फिर से लगाने होंगे, ज्वाइनिंग से पहले, फाइनल रिजल्ट के बाद, और उसके बाद में जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपका, पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आप फाइनल ज्वाइनिंग पा जाएंगे, और फाइनल ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद ये सर्विस बॉन्ड के आधार पे आपको, मतलब आप बॉन्ड भर देंगे फिर आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, और जब आप इतना टाइम पूरा कर लेंगे फिर छोड़ेंगे तो आपको कोई भुगतान नहीं करना होगा, नहीं तो इतना पैसा जो कैलकुलेट करके देंगे उतना पैसा आपको भुगतान करना होगा दोस्तों। तो ये सूचना थी, ये इन्फॉर्मेशन थी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी सर्विस बॉन्ड से रिलेटेड, कि आप सर्विस बॉन्ड के बारे में जान जाओ। तो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है सर्विस बॉन्ड के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप वहाँ बता सकते हो। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो, डिटेल में जानना चाहते हो, तो भी हमको बता सकते हो, आपके सुझाव और आपकी शिकायतें सादर आमंत्रित हैं, आप हमको बताइए। और आप लोगों का प्यार और स्नेह मिला हमारी इस चैनल को, इस नए चैनल को, 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ, आप सभी लोगों को बधाइयाँ देता हूँ। और आप हमारे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, आपने अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।